तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। सो फाइनली आज के इस वीडियो में क्लास 12th के उर्दू के तीन चैप्टर, चैप्टर नंबर 24, 25 और 26, इन तीनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने वाला है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, तीन चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि फटाफट मतलब तुरंत आप लोगों को कम समय लेते हुए सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया जाए, और आप लोगों को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लगातार कंप्लीट वीडियो को देखना है। लिखने की बात मैं नहीं करती हूँ, आप सभी लोगों को तो पता ही है लिखना नहीं है, हर एक क्वेश्चन का आंसर समझना है बस, और कुछ नहीं। बाकी बाद में तो आप लोगों को हमारे द्वारा लिखा हुआ, हमारे द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन आंसर कराया ही जाएगा। अभी आप लोगों को फिलहाल इसलिए क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है ये आप लोगों को पता चले, लिखने का स्टार्टिंग एंडिंग वगैरह कैसा होना चाहिए ये आप लोगों को पता चले, और कुछ आंसर लिखने का अंदाज़, कुछ आंसर लिखने की कला आप लोगों के अंदर आ जाए। इस वजह से ये सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग में ही आप लोग वीडियो को लाइक कर देना है, जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को शेयर करना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग स्टार्टिंग में ही शेयर कर दें। और चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर सवालात से, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। सबसे पहले चैप्टर नंबर 24 का ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा और फिर 25 और 26 दोनों का एक साथ कंप्लीट होगा। चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि अता काकवी ने कत तारीख गम अरशद किसकी मौत पर लिखा, यानी कि गम अरशद कत तारीख चैप्टर नंबर 24 है और उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गम अरशद ये जो कतर तारीख है इसको अता काकवी ने किसकी मौत पर लिखा है। तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि गम अरशद अता काकवी का ऐसा कतर तारीख है जो उन्होंने अपने जवां साल बेटे अरशद काकवी की मौत पर लिखा है। आखिरी शेर के अलावा सभी अशार में मरहूम की खूबियाँ बयान की गई है, आखिरी शेर के सानी मिसरे में साल वफात जाहिर किया गया है। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया गया है कि गम अरशद जो है ना अता काकवी का ऐसा कतर तारीख है जो उन्होंने अपने जवां साल बेटे अरशद काकवी की मौत पर लिखा है, यानी कि अपने बेटे अरशद काकवी की मौत पर लिखा है इन्होंने गम अरशद नाम का कतर तारीख। और आखिरी शेर के अलावा सभी अशार में अपने बेटे की खूबियाँ बयान करते हैं, और लास्ट आखिरी शेर के सानी मिसरे में साल वफात जाहिर किया गया है, यानी कि किस साल उनके बेटे की वफात हुई ये बताया गया है, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता था। तो जवाब में लिखा गया है कि अरशद काकवी और अता काकवी में बाप बेटे का रिश्ता था, यानी अरशद काकवी मरहूम बेटे थे और अता काकवी उनके बाप थे। तीसरा सवाल है कि जब अरशद काकवी की वफ़ात हुई तो वह कितने साल के थे। तो जब अरशद काकवी की वफ़ात हुई थी तो वह 34 साल के थे। गमे अरशद में अरशद के दो बेटों का भी जिक्र है, दोनों के नाम बताइए। तो अरशद काकवी के दोनों बेटों का नाम है जमील और अकील, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पांचवा सवाल है कि शायर ने सरे अलम मिलाकर कितने अदद का इजाफा किया है। तो जवाब में लिखा गया है कि शायर अता काकवी ने सरे अलम मिलाकर एक अदद का इजाफा किया है, यानी कि 1381 ईस्वी में एक का इजाफा करके उन्होंने 1382 हिजरी बनाया है। अब देखिए यहाँ से दूसरा कतर तारीख, यानी कि चैप्टर नंबर जो 25 और 26 है उसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहा है। मुख्तसर सवालात है दोनों चैप्टर का। सबसे पहला सवाल है कि अशरफ कादरी की रूलत किस साल हुई। तो अशरफ कादरी की रूलत 1998 ईस्वी में हुई थी। वाहिद नज़ीर ने इस कतर तारीख में मरहूम की तीन खूबियों का जिक्र है, उन खूबियों को बयान कीजिए। देखिए वाहिद नज़ीर का दो कतर तारीख दिया गया है, पहले कतर तारीख को दोनों कतर तारीख को मिलाकर दो तारीखें कहा गया है, और उसमें जो पहला कतर तारीख है उसको चैप्टर नंबर 25 और दूसरे कतर तारीख को चैप्टर नंबर 26 बना दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वाहिद नज़ीर ने अपने कतर तारीख में, इस कतर तारीख में मरहूम की तीन खूबियों का जिक्र करते हैं, उन खूबियों को बयान करना है आप लोगों को। जवाब में लिखा गया है कि वाहिद नज़ीर ने इस कतर तारीख में शेर के एक मिसरे से मरहूम की तीन खूबियों का जिक्र किया है, साई जमहूर अशरफ शायर व कानूनदा। इस मिसरे में अशरफ कादरी मरहूम की तीन खूबियाँ बयान की गई है, यानी कि अशरफ कादरी मरहूम बेक वक्त मुजाहिद आज़ादी शायर और वकील भी थे। तो यह हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल है कि कादरी से किस बुज़ुर्ग की निस्बत जाहिर होती है। तो लफ्ज़ कादरी से गौश पाक हज़रत मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत जाहिर होती है। आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल है कि कानून दा को उर्फ आम में क्या कहते हैं,
बताएं। तो कानून दाकुर्फ आम में वकील कहते हैं, ठीक है। अब ये जो तीसरा कतर तारीख है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि वाहिद नज़ीर की जो दो कतर तारीख दी गई है, तो एक को चैप्टर नंबर 25 बना दिया गया है और दूसरे को चैप्टर नंबर 26। तो ये चैप्टर नंबर 25 का था, देखिए दूसरा कतर तारीख है। पहला तो कतर तारीख अता काकवी का है, जिसका क्वेश्चन आंसर ये हो गया। फिर ये दूसरा कतर तारीख वाहिद नज़ीर का ही था, और फिर तीसरा कतर तारीख भी वाहिद नज़ीर का ही है। तो उससे देखिए क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर नंबर 26 से है ये क्वेश्चन। पूछा गया है कि मौलाना निज़ामुद्दीन से मुतालिक कतर तारीख किस मौके से कहा गया है। तो मौलाना निज़ामुद्दीन से मुतालिक कतर तारीख उनके अमीर शरीयत बनने के मौके से कहा गया है। इस कतर तारीख के शायर का नाम बताइए। तो इस कतर तारीख के शायर का नाम अब्दुल वाहिद और कलमी नाम वाहिद नज़ीर है, यानी कि इसके राइटर जो है ना वो वाहिद नज़ीर है। मौलाना निज़ामुद्दीन किस साल अमीर शरीयत मुंतखब हुए। तो मौलाना निज़ामुद्दीन जो है ना 1999 में अमीर शरीयत बनाए गए थे। मीनार तस्कीन से क्या मुराद है। तो इसका मतलब होता है तसल्ली का स्तून। मीनार तस्कीन से मुराद तसल्ली का स्तून, यानी कि मिल्लत इस्लामिया के लिए ढारस और तसल्ली मुराद है, ठीक है। अब यहाँ से तवील सवालात स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला सवाल है कि तारीख गोई से मुतालिक अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। जवाब में देखिए लिखा गया है कि तारीख गोई एक फ़न है और सिन्फी लिहाज से शायरी के ज़ुमरे में आता है। तारीख गोई उन्हीं ज़ुबानों की शायरी में राइज है जो ज़ुबानें अरबी रस्मुलख़त में लिखी जाती हैं। वलादत, शादी, वफ़ात, अहम किताबों की तसनीफ, बादशाहों की तख्त नशीनी, फतुहात, खिताब, याबी, किसी अहम मनसब पर मामूरियत और इमारत की तामीर वगैरह, गोया इंसानी माशरे की हर तरह के अहम वाक़यात के साल को महफूज रखना उस फ़न का बुनियादी मकसद है। एक कामयाब कतर तारीख की खूबी यह है कि उससे मुतालिक वाक़े की वजाहत भी हो जाए और उसके आदाद जोड़ने से वाक़े साल भी बरामद हो जाए। इस फ़न के ज़रिए तारीख गोई ऐसा मिसरा जुमला या फिक्रा तरतीब देता है जिसके हरूफ के आदाद जोड़ने से उस साल की तारीख बरामद होती है। अगला सवाल है कि तारीख गोई की अदबी और तारीखी अहमियत पर एक नोट लिखिए। तो जवाब में लिखा गया है कि उर्दू शायरी में तारीख गोई की रिवायत देकर इसनाफ़ शायरी की तरफ फारसी से आई है। फारसी शायरी में इस फ़न की इब्तदा कब और किस वाक़े से हुई इसकी हकीकत अभी तक नहीं हो सकी है। बस इतना पता चला है कि तारीख गोई जो है ना इसनाफ़ शायरी की तरफ फारसी से आई हुई है, यानी कि जिस तरह से दूसरे इसनाफ़ शायरी फ़ारसी से आई हुई है उसी तरीके से तारीख गोई भी उर्दू में फ़ारसी से आई है, ठीक है। बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि फ़ारसी में तारीख गोई के इब्तदाई नमूने की तलाश जो है ना सलजोकी दौर यानी 10वीं या 12वीं सदी ईस्वी में करनी चाहिए। जाहिर है कि उर्दू शायरी के परवान चढ़ने तक यह सिर्फ बेहद बालिदा हो चुकी होगी। यही वजह है कि तारीख गोई के नमूने उर्दू के क्लासिकी शुराम के यहाँ भी मौजूद हैं। अरबी ज़ुबान में अलिफ से छोटी ये तक तमाम हरूफ के एदाद मुतय्यिन हैं। उसके तमाम हरूफ का 8 कलमात अबजद ये जो है ना याद रखने का ये ट्रिक है जो कि दिया गया है, ठीक है। अलिफ बे जीम दाल करके हे वाओ जे हे ते हे तो ये का आफ लाम मीम नू ये करके जो है ना ये लास्ट में ज़वाद ज़ो और गैन के नाम से भी मुनकसिम किया गया है, मतलब कि एदाद को मुकर्रर किया गया है। हर एक लफ्ज़ का अदाद यानी कि उसका नंबर दिया गया है। उसका पहला हिस्सा चूंकि अबजद है इसलिए इसे हिसाब अबजदी के नाम से भी जाना जाता है। हर एक हरूफ का जो अदद है ना उसको मुकर्रर कर दिया गया है और उसका जो पहला आप यूँ कह सकते हैं इस पहले हिस्से का नाम अबजद है, इसी वजह से इसे हिसाब अबजदी के नाम से जाना जाता है। हिसाब अबजदी का दूसरा नाम हिसाब जमल भी है। मज़कूरा 8 कलमों में अरबी हरूफ तहजी के सभी 28 हरूफ शामिल हैं। इस तरह हम देखते हैं कि तारीख गोई के तहत उन हरूफ के तादाद मुतय्यिन हैं, इसलिए तारीखी गोई के तारीखी हैसियत के साथ अरबी हैसियत भी मुसम्म है। तीसरा सवाल देखिए पूछा गया है कि कतर तारीख की तारीफ करते हुए शामिल निसाब किसी एक कतर का जायज़ा लीजिए। यानी कि आप लोग के बुक में किसी एक कतर तारीख को उठा लेना है, अपने बुक में से आप लोग के हिसाब से जो भी कतर तारीख अच्छा लगता है वो उठा लेना है और उसका ओवरव्यू करना है कतर तारीख की तारीफ करते हुए, उसका डेफिनेशन देते हुए। जवाब में लिखा गया है कि जब किसी ख़ास
वाकया या किसी खास शख्स की ज़िंदगी में कोई ख़ास वाकया पेश आ जाए, जैसे शादी, कोई मनसब मिलना, या किसी की शादी या वफात के मौके पर किसी मिसरे या शेर के ज़रिए उस मखसूस वाकये का सेना निकाला जाता है, तो उसे क़दर तारीख कहते हैं। यानी कि किसी भी तारीखी वाकयात के बारे में शेर व शायरी के अंदाज़ में लिख कर बयान कर देना ही क्या कहलाता है, क़दर तारीख कहलाता है। तारीख हरूफ के अबजदी ऐदाद के हिसाब से निकाला जाता है, यानी इन मिसरों के हरूफ के अबजदी ऐदाद को अगर जोड़ा जाए तो वह सन निकलेगा जिस साल में वह मखसूस वाकया पेश आया है। शामिल निसाब अता काफवी का गम अरसद एक मशहूर क़त्ल तारीख है। गम अरसद अता काफवी का ऐसा क़त्ल तारीख है जो उन्होंने अपने जवां साल बेटे अरशद काफवी की मौत पर लिखा है, जिसमें आखिरी शेर के अलावा तमाम अशआर में अरशद महरूम की खूबियाँ बयान की गई है और आखिरी शेर के सानी मिसरे में साल वफात का जिक्र किया गया है, यानी कि साल वफात जाहिर किया गया है। क़त्ल तारीख में आम तौर से मुकम्मल मिसरे के एदाद से तारीख बरामद हो जाती है। यहाँ शायर ने मिसरे के एक टुकड़े गम फर्जन से तारीख निकाली है, चूँकि गम फर्जन से 1381 हिजरी बरामद होता है और अरशद काफवी की मौत 1382 ईस्वी में वाकई हुई, इसलिए शायर ने तामिया से काम लिया है। सर अलम को मिलाकर गम फर्जंद, सर अलम यानी कि लफ्ज़ अलिफ का सर अलिफ गम फर्जंद में मिलाने का इशारा देकर शायर ने अलिफ के एक अदद को गम फर्जंद के आयदाद 1381 हिजरी में दाखिल करके 1382 हिजरी तारीख निकाली है। तो इस तरीके से साल वफात निकल कर आ जाता है 1382 हिजरी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि अता काकवी की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। अता काकवी की ज़िंदगी के हालात के बारे में लिखना है कि उनका पैदाइश कहाँ हुआ, कब हुआ, उनकी पढ़ाई लिखाई वगैरह के बारे में बताना है। तो देखिए, लिखा गया है जवाब में कि अता काकवी का असल नाम सैयद शाह अताउर रहमान था। 17 सितंबर 1904 ईस्वी को वह बिहार के मरदुमखेज गांव काको में पैदा हुए। अदबी दुनिया में अता काकवी के नाम से मशहूर हुए। पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू और फारसी में एमए किया और बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर हुए। फिर इदारा तहकीकात अरबी व फारसी पटना के डायरेक्टर हुए। सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स के खिताब से नवाजा गया। 8 मार्च 1998 ईस्वी को पटना में उनका इंतकाल हो गया। अता काकवी को उर्दू वो फ़ारसी अदब के रमजनासों में शुमार किया जाता है। तनकीद व तहकीक शायरी, तारीख नवेसी जैसे इसनाफ़ पर उन्होंने कई किताबें तसनीफ़ की। मुताले हसरत, तनकीदी मुताले और तकाबली मुताले उनकी तनकीदी तसनीफ़ात हैं। जमाल गज़ल और साकी नामा वगैरह उनकी शेरी तसानीफ़ हैं। तहकीकी मुताले के नाम से उनकी 19 तहकीकी मजामीन का एक इंतखाब 1965 ईस्वी में शाये हुआ। 10 गज़ल गो शायरों का इंतखाब मेखाने ते गज़ल के नाम से शाये हुआ। मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बैदल की हयात व खिदमात पर उनकी किताब हैरत ज़ार अहमियत के हामिल है। उन्होंने रिसाला सफ़ीना भी जारी किया, जिसके मुतादद खसूसी शुमार दस्तावेज़ी अहमियत के हामिल करार पाए हैं। तो यहाँ पर अता काकवी की तसनीफ़ात के बारे में बताया गया है, उनके क्रिएशन के बारे में बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या लिखा। बताया गया है कि मुताले हसरत उनका क्रिएशन है, तनकीदी मुताले, तकाबली मुताले, जमाल गज़ल, साकी नामा, ठीक है, यहाँ तक कि मखानत गज़ल और हैरत ज़ार, ये सब उनका खुद का क्रिएशन है, यानी कि तसनीफ़ है। अता काकवी की एक हैसियत तारीख गोई की भी है। उन्होंने एक तवील मुद्दत तक शायरों, अदीबों या अपने ज़माने के मुअत्तबर शख्सियात के साना इरतहाल पर मुतादद तारीखें कहीं जो मुल्क के अहम मसाइल व जराइद में शाये होती रहीं। कदीम अदब पर उनकी माहिराना दस्तरस थी और वह उर्दू फारसी के क्लासिकी सरमाए के गहरे वाकिफकार रहे थे। 5वां सवाल है कि वाहिद नज़ीर के कतात तारीख का अमूमी जायज़ा लीजिए। यानी कि वाहिद नज़ीर ने जितने भी क़त्ल तारीख लिखे हैं, उस क़त्ल तारीख का आप लोग को ओवरव्यू करना है, और जो आप लोग के बुक में दिया गया है उसका भी कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए, जवाब में लिखा गया है कि अजीमाबाद के सरजमीन पर जदीद दौर के उभरते हुए शुरा में वाहिद नज़ीर को एक अहम मुकाम हासिल है। वाहिद नज़ीर बेक वक्त शायर, मुहक्किक और नक्काद भी हैं और फारसी, अरबी और उर्दू ज़बानों के इल्मी सरमाए पर गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने तारीख गोई में अपनी शनाख्त कायम की है। नई नस्ल के लोगों में शायद ही कोई दूसरा मिले जिसे इस कदीम फ़न पर इतनी गहरी दिलचस्पी हो। ज़ेर निसाब क़त्ल तारीख में वाहिद नज़ीर का एक क़त्ल तारीख अशरफ कादरी की वफ़ात पर शामिल है। इसमें उन्होंने ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा बयान किया है कि ज़िंदगी की छत मौत की बुनियाद पर कायम है। इस फ़लसफ़े को बयान करने के लिए
दलील के तौर पर कुरानी आयत का एक टुकड़ा उन्होंने शेर में बांधा है। दूसरे शेर में मौत की हकीकत का इतराफ करते हुए यह बात कही गई है कि पैगंबर, बादशाह और फ़कीर जो भी ज़िरू है उसे मौत का मज़ा चखना है। यानी कि ये जो ज़िंदगी की छत बनी है ना, ये मौत की बुनियाद पर बनी है। हमारी जब पैदाइश हुई थी उसी वक्त हमारा जो है ना इंतकाल कब होगा, कहाँ होगा, किस वक्त होगा, ये तय हो चुका था। यानी कि हमारी ज़िंदगी की जो छत बनी है ये मौत की बुनियाद पर बनी है, पहले से ही हमारी मौत तय हो चुकी है। चाहे फ़कीर हो या कोई बड़ा से बड़ा आदमी, बड़ा से बड़ा बादशाह, उसकी मौत आनी ही आनी है। इस कतअ तारीख़ में शायर ने अशरफ कादरी मरहूम की खूबियाँ बयान करते हुए मरहूम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की तरफ भी इशारा किए हैं। एक मिसरा साई जमहूरी अशरफ शायर व कानूनदा में महरूम की तीन खसूसियात बयान की गई हैं। यानी यह कि वो मुजाहिद आज़ादी भी थे, शायर भी और कानून था, ये तीनों खसूसियत बयान की गई। यानी कि ये तीनों थे। इसी तरह हिजरी मादे तारीख कहिए अशरफ कादरी हमसाय कादिर बने 1419 हिजरी में उनके सिलसिले की तरफ इशारा है। ऐसे कतआत तारीख के नमूने उर्दू शायरी में मौजूद हैं जिनके सभी मिसरों से तारीख बरामद होती है। इस कतअ में वाहिद नज़ीर ने दो मिसरों से तारीख बरामद की है। आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल है कि कतअ तारीख में मखरजा का इस्तेमाल कब होता है और तामिया किसे कहते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो कतअ तारीख के सिलसिले में एक बात याद रखना चाहिए कि हर मादे तारीख मुकम्मल हो या ज़रूरी नहीं। शायर मादे से दो काम लेते हैं, एक वाक़े के अहम इशारे बयान करने का और दूसरा इसके आदात से वाक़े का साल जाहिर करने का। इसलिए बसा औकात ऐसा मादा हासिल हो जाता है जो हर लिहाज से मुनासिब हो, लेकिन उसके कुछ एदाद बढ़ या घट जाने की सूरत में भी शायर मादा तो वही रख लेता है मगर उसी शेर में यह इशारा कर देता है कि कितने अदद का इजाफा करना है या हजफ करना है। इसी इजाफे करने को शायरी इस्तेलाह में तामिया कहते हैं और हजफ करने को शायरी इस्तेलाह में तखरजा कहते हैं, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अता काकवी ने एक अदद का इजाफा किया है, तो एक अदद का इजाफा करना यानी कि एक नंबर को अगर आप बढ़ा दे रहे हैं तो बढ़ाने को हम लोग कहते हैं तामिया और घटाने को कहते हैं तखरजा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है कि जैसे मिसाल के तौर पर अता काकवी ने ज़ेर नसाब कतअ तारीख गम अरसद में सर अलम को मिलाकर कहा गम फ़र्ज़ंद, सर अलम यानी लफ्ज़ अलिफ का सर अलिफ गम फ़र्ज़ंद में मिलाने का इशारा देकर शायर ने अलिफ के एक अदद को गम फ़र्ज़ंद के एदाद 1381 ईस्वी में दाखिल करके 1382 हिजरी तारीख निकाली। किसी मिसरे फकरे या जुमले में कोई अदद बढ़ाने की इसी अमल को तामिया कहते हैं और अगर कोई अदद हजफ कर दिया जाए तो उसे तखरजा कहते हैं। दूसरी मिसाल वाहिद नज़ीर की एक कतअ तारीख में है कि इस कतअ में वाहिद नज़ीर ने दो मिसरों से तारीख बरामद की है। चौथे शेर के ओला मिसरे से हिजरी साल और आखिरी शेर के सानी मिसरे से ईस्वी साल, यहाँ दोनों तारीखी मादे मुकम्मल मिसरे की शक्ल में हैं, इसलिए तामा या तखरजा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आठवां सवाल है कि मादा तारीख किसे कहते हैं, तो जवाब में देखिए लिखा गया है कि कतअ तारीख की कामयाबी के लिए एक अहम शर्त यह है कि उससे मुतालिक वाक़े की वजाहत भी हो जाए और उसके आदात जोड़ने से वाक़े का साल भी बरामद हो जाए। इस फ़न के ज़रिए तारीख गोयो ऐसा मिसरा जुमला या फकरा तरतीब देता है जिसके हरूफ के आदात जोड़ने से उस साल की तारीख बरामद हो जाती है जिस साल वह अहम वाक़या रूनमा हुआ। इस तरह के मिसरे जुमले या फकरे को मादे तारीख कहते हैं। तारीख गोई एक मुश्किल मगर दिलचस्प फ़न है। तहकीकी नुक्ते नज़र से उसकी अहमियत इसलिए मुसल्लम है कि तारीखें आम तौर से उसी ज़माने में कही जाती हैं जिस ज़माने में वाक़या रूनमा होता है। इस तरह मुतालिका वाक़े और मादे तारीख के दरमियान ज़्यादा वक्फ़ा नहीं होने के सबब सन में शक की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है। हालांकि यह भी दुरुस्त है कि बहुत सी तारीखें वाक़े एक मिनट रुक जाए बहुत सी तारीखें वाक़े रूनमा होने की बहुत बरसों बाद भी कही गई हैं, लेकिन ऐसी मिसालें कम हैं। कतअ तारीख के सिलसिले में याद रखना चाहिए कि हर मादे तारीख मुकम्मल हो यह ज़रूरी नहीं। शायर मादे से दो काम लेता है, एक वाक़े के अहम इशारे बयान करने का और दूसरा उसके अदद से वाक़े के साल जाहिर करने का। इसलिए बसा औकात ऐसा मादा हासिल हो जाता है जो हर लिहाज से मुनासिब हो, लेकिन उसके कुछ एदाद बढ़ या घट जाने की सूरत में भी शायर मादा
तो वही रख लेता है, मगर उसी शेर में यह इशारा कर देता है कि कितने अदद का इजाफा करना है या फिर हजफ करना है, यानी कि घटा देना है। तो फाइनली यहाँ पर क्लास 12 के उर्दू के 24, 25, 26 इन तीनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा, हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में उस कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।